हे गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुक्से यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे, गर्मी में अगर आपको चक्कर आए तो आप ये घर पर उपाय कर सकते हैं। इसके करने से आपको आराम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको गर्मी के कारण यानी गर्मी होने से आपको चक्कर महसूस हो रहा है, या फिर आपको चक्कर आते हैं, या आप चक्कर आ करके गिर जाते हैं कभी कभी और आपको महसूस होता है कि आपको चक्कर आ रहा है, तो ये घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। ये आपका चाहे बीपी हाई हो उसके कारण आपको चक्कर आ रहा हो, या आपका बीपी लो हो उसके कारण आपको चक्कर आ रहा हो, दोनों में ही कारगर है ये घरेलू नुस्खा यदि आप अपनाएंगे तो। उसके लिए हमें चाहिए धनिया की पत्तियां, सेंधा नमक, पिसा हुआ अजवाइन, तीनों को बराबर मात्रा में हम मिक्स करके रख लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इसको हमें आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। चाहे आपका बीपी लो के कारण आपको चक्कर आया हो, या फिर आपको बीपी हाई के कारण आप चक्कर आया हो गर्मी में, ये दोनों में ही कारगर है। यदि खाली पेट भी आप इसको लेते हैं, या फिर खाना खाने के बाद भी आप इसको लेते हैं पाउडर को, तो ये दोनों में ही कारगर है। ये घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, यानी इन तीन चीज़ों को मिला करके आप घर में रख लीजिएगा। जब भी आप बाहर जाए या फिर बाहर भी इसको आप पाउडर को लेकर जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि गर्मियों के दिनों में आपको चक्कर आते हैं तो ये पाउडर आपके लिए कारगर है। इसको आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, और सर्दियों में भी आप इसे ले सकते हैं और गर्मियों में भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।